हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं मिशन अब्रॉड। दोस्तों मिशन अब्रॉड यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं MPNP के बारे में। यहां पे कुछ नए अपडेट्स हैं MPNP के अंदर, तो चलिए पढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और जो घंटे का बटन आपको दिख रहा है उसको जरूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों अभी मैं बात करूंगा MPNP ने अभी हाल में लेटेस्ट दो नए फास्ट ट्रैक प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। अगर मैं इन प्रोग्राम्स को सेग्रीगेट करने की बात करूं तो सबसे पहले है MPN, ठीक है, और उसके बाद है इंटरनेशनल एजुकेशन स्ट्रीम, ठीक। इसके अंदर दो सब कैटेगरी की लॉन्च की है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। पहला है इंटरनेशनल स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर पैथवे, सेकेंड है ग्रेजुएट इंटर्नशिप पैथवे। दो टाइप के यहाँ पे पैथवे लॉन्च किए गए हैं। अगर हम बात करें MPNP का जो अभी तक का रिकॉर्ड है सिंस इट वाज स्टार्टेड इन 1998, तो यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग बात है MPNP की, तो MPNP ने अभी तक 130,000 इमिग्रेंट्स को कनाडा में वेलकम किया है। 130,000 लोग अभी कनाडा इमिग्रेट हो चुके हैं मैनिटोबा के अंदर, MPNP के अंदर। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, मैं उसको कैलकुलेट करके बोल रहा हूँ टोटली। तो इसमें अगर हम 130 की बात करें तो इसमें फैमिलीज भी होंगी, ठीक है, आपके रिलेटिव्स भी होंगे, आपने किसी को स्पॉन्सर किया होगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा आंकड़ा चला जाता है। हाईएस्ट नंबर ऑफ जो इनविटेशन सेंड किए गए हैं MPNP की तरफ से। तो अगर आप कनाडा इमिग्रेट होना चाहते हैं, किसी प्रोविंस में अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट है MPNP, ब्रिटिश कोलंबिया, ऑन्टारियो और आपका क्यूबेक। अभी मैं बात कर रहा हूँ जो फर्स्ट कैटेगरी इसमें लॉन्च की गई है वह है हमारा इंटरनेशनल स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर पैथवे। ये उन लोगों के लिए है जो लोग 2 साल का एजुकेशन डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट कर चुके हैं मैनिटोबा से, ठीक है। 2 साल का जो मिनिमम 2 ईयर्स का जो डिप्लोमा है, डिग्री है, आपने किसी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है, तो फिर आपको आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और अगर आप डिग्री कंप्लीट करने के बाद बिजनेस ऑपरेट करना चाहते हैं कैनेडा के अंदर, आप जॉब नहीं करना चाहते, जस्ट अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं, लेट्स से कि जैसे कि मैं रेस्टोरेंट चलाता हूँ, वैसे अगर आप अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस प्रोग्राम के अंदर। मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी, ये टाइम टू टाइम चेंज रहती है। इन्वेस्टमेंट करना है, देन आपने फर्दर यहाँ पे उस बिजनेस को रन भी करना है एक्टिवली, क्योंकि आप उसके होल एंड सोल होंगे, तो फिर आपको इसको रन भी करना पड़ेगा। एक्टिव पार्टनर आपने इसमें अपने आप को दिखाना पड़ेगा बिजनेस का, ठीक है। और आपको यहाँ पे 2 साल का इनिशियली 2 साल का वर्क परमिट इशू किया जाएगा, जो 2 साल का टेक पायलट प्रोग्राम, सॉरी 2 साल का जो प्रोग्राम है इंटरनेशनल स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर पैथवे के अंदर। 2 साल का मिनिमम आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा, वर्क परमिट, टेम्प्ररी वर्क परमिट होगा। और अगर आप 2 साल के अंदर बिजनेस जनरेट कर पाए, 2 साल के अंदर अगर आप मैनिटोबा के अंदर जॉब्स जनरेट कर पाए, एटलीस्ट आपने 5 to 10 जॉब्स जनरेट की, आपका बिजनेस डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है ग्रेजुएट इंटर्नशिप पैथवे की, तो ग्रेजुएट इंटर्नशिप पैथवे में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन लोगों ने डिग्री या डॉक्टरेट अपना मैनिटोबा से पूरा किया है, मैनिटोबा यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है विद इन 3 ईयर्स, ठीक है। वो लोग इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हैं, तो इस बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये उन लोगों के लिए है जो जिन्होंने कंप्लीट की है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग जस्ट अभी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं और पास आउट होने वाले हैं, तो फिर आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपका जॉब ऑफर का होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास जॉब ऑफर है तो ये भी ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है, आप किसी न किसी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी हमारे मैनिटोबा के लिए जो लेटेस्ट अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई, फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।